फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश 1 यूनिट नंबर 9 चैप्टर नंबर 2 पिनोचियो जो हमने लर्न कर लिया है। तो आपका जो लास्ट पेज है 163 पेज नंबर 163 है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दिया गया है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्या होता है, तो आपको पैसेज दिया जाता है वो आपको रीड करना होता है और पैसेज के नीचे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर है वो पैसेज में से फाइंड आउट करके ही आपको लिखने होते हैं। सो वो वाला जो है वो हमारा बाकी है। लास्ट में हमने 162 पेज नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। ओके तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो हम देखते हैं। सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 163 इन टेक्स्ट बुक। ओके सो लेट्स स्टार्ट। वंस अ क्यूनिंग जैकल जंप्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई। ओके ब्लू डाई थी, ब्लू कलर की डाई थी, कलर था उसके पूरा जो टब था वो भरा हुआ था, उसमें एक जैकल था। ओके वो जैकल ने उसके अंदर क्या किया, जंप किया, है ना। जैकल यानी क्या होता है, सियार होता है ना वो। ओके और वो फिर क्या होता है, अब वो जो जैकल था वो डाई के अंदर, वो भी ब्लू कलर की डाई के अंदर, टब के अंदर जंप करता है तो वो उसका पूरा का पूरा बॉडी है वो कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। फिर क्या कहता है, आई एम योर किंग, मैं तुम्हारा किंग हूँ। ही सेड, उसने कहा मैं तुम्हारा राजा हूँ। ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल बिलीव्ड हिम, सभी एनिमल जंगल में जितने एनिमल्स थे, बड़े बिग या स्मॉल छोटे या बड़े, सभी एनिमल्स ने उनको जो कहा उस पे सभी ने बिलीव कर लिया, सभी ने मान लिया कि सही में ये राजा है, क्योंकि वो कैसा था, ब्लू कलर का था। ओके एंड बोड बिफोर हिम, और उनके सामने बोड करने लगे, अपना जो हेड है वो झुका कर नमन करने लगे उसको। द क्लेवर जैकल स्माइल, और ये जो क्लेवर था, ये जो क्लेवर जैकल था वो कैसा था, चतुर था, वो अंदर ही अंदर हंसने लगा, कैसे सभी बड़े छोटे सभी एनिमल मेरे सामने झुक रहे हैं। वो तो बहुत खुश हो गया और स्माइल करने लगा। नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट, अब वो सभी फॉरेस्ट जंगल के अंदर सभी एनिमल्स के एनिमल्स में से सबसे पावरफुल एनिमल वो बन गया, क्योंकि वो कौन से कलर का हो गया था, ब्लू कलर का हो गया था, और सभी एनिमल को ये बहुत ही अलग टाइप का एनिमल लगा, इसलिए सभी को लगा कि ये तो जंगल का राजा है, किंग है, इसीलिए सभी उसके सामने झुकने लगे। और फॉरेस्ट में सभी एनिमल्स के बीच में सबसे पावरफुल था वो कौन हो गया, ये जो जैकल था वो बन गया। ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग, और वो किंग होने का प्राउड गर्व करने लगा, अभिमान करने लगा कि वो किंग है ऐसा करने लगा। फिर क्या हुआ, वंस द जैकल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, फिर एक दिन जैकल था वो मिडल ऑफ द नाइट यानी आधी रात को क्या किया, वो वोक अप यानी उठा। द जैकल्स इन द फॉरेस्ट वेयर हॉलिंग एट द फुल मून इन द स्काई, अब जब दूसरे जैकल्स थे, सब दूसरे जैकल सियार थे, वो क्या कर रहे थे, फुल मून नाइट थी, है ना, यानी कि स्काई में पूरा मून है वो खिला हुआ था, पूरा चंद्रमा है वो खिला हुआ था, और सभी जो फॉरेस्ट के अंदर जो दूसरे सियार थे, दूसरे जैकल थे, वो क्या करने लगे, पूरा खिला हुआ जो मून था उसके सामने सिर ऊंचा करके सभी हॉलिंग करने लगे, है ना, सिया कैसे ऊ करके हॉलिंग करता है वैसे वो सभी कर रहे थे। तो ये जो जैकल है वो भी मिडनाइट में उठा और उसने देखा सभी क्या कर रहे थे, स्काई में जो फुल मून नाइट थी, जो पूरा चंद्रमा खिला हुआ था वो नाइट में, सभी जैकल है वो हॉलिंग कर रहे थे। तो द ब्लू जैकल फॉरगॉट ही वॉज अ किंग,
अब जो ब्लू जैकल था, जो ब्लू कलर का जैक हो गया था, जो अपने आप को किंग बता रहा था, वो जैकल क्या किया उसने, फॉरगॉट ही वाज किंग, वो तो भूल गया कि वो अभी ये तो जंगल का राजा है, वो तो सब भूल गया। और क्या किया, ही टू बिगेन टू हॉल, और उसने भी हॉल करना स्टार्ट कर दिया, जब दूसरे जो जैकल कर रहे थे वैसा उसने ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो भूल गया कि वो एक किंग है, और किंग है वो ऐसा करता है नहीं करता है, तो उसने ऐसा कर दिया। हुआ हुआ ही क्राइड, हुआ हुआ करके वो चिल्लाने लगा। द एनिमल्स रेन आउट टू सी, और सभी जो एनिमल्स थे वो देखने के लिए दौड़े चले आए। फिर क्या हुआ, ही इज नॉट अ किंग, ही इज जस्ट अ जैकल, दे शाउटेड। सभी एनिमल्स ने देखा तो ये जो ब्लू कलर का था वो तो अपने आप को राजा बता रहा था, लेकिन सभी जैकल के साथ वो भी चिल्ला रहा है, तो सभी एनिमल्स है वो देखकर उसे देखकर क्या करने लगे, वो साउंड चिल्लाने लगे, क्या कहने लगे, ही इज नॉट अ किंग, ये किंग नहीं है, ही इज जस्ट अ जैकल, ये तो सिर्फ एक जैकल है। दे रश्ड टू अटैक हिम, और सभी एनिमल्स एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागे चले गए। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी, आई टिकल यू, कि वो क्या कहते हैं, रुको रुको, स्टॉप हो जाओ, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, आई ट्रिक्ड यू, मैंने आपके ऊपर ही ट्रिक की थी, प्लीज डू नॉट किल मी, मेहरबानी करके मुझे मत मारो, सेड द ब्लू जैकेट। जो ब्लू जैकेट था वो क्या कहने लगा, जब सभी एनिमल्स उसके ऊपर अटैक करने जा रहे थे एक साथ, तो उसने क्या कहा कि रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, मैंने तो ये सिर्फ एक ट्रिक की थी, मैं वो क्या कहता है, प्लीज डू नॉट किल मी, प्लीज मुझे मत मारो, ऐसा वो कहता है। तो एनिमल्स फॉरगिव हिम, और सभी एनिमल्स ने उसको क्या कर दिया, फॉरगिव कर दिया, फॉरगिव यानी माफ किया। और बट ओनली आफ्टर गिविंग द जैकल अ गुड बीटिंग, लेकिन कब माफ किया, सिर्फ एक जैकल को एक बीट देने के बाद ही उसको माफ किया गया था। ओके, और ये जो स्टोरी है वो किसमें से ली गई है, पंचतंत्र टेल। पंचतंत्र टेल है वो बुक है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज है वो होती है, और सभी स्टोरीज में से हमें कुछ ना कुछ मोरल है वो मिलता ही है, कुछ ना कुछ सीख है वो मिलती ही है। ओके, तो ये था हमारा पैसेज था। अब पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर हमें लिखने हैं। सो टेक आउट योर नोटबुक एंड पेंसिल एंड लेट्स राइट द क्वेश्चन आंसर। The animals think that the jackal was a king. तो आंसर क्या आएगा कि जो जैकल था वो क्या था, ब्लू इन कलर, वो ब्लू कलर का हो गया था, इसलिए सभी एनिमल्स को लगा कि ये सच में एक किंग है, राजा है। आंसर क्या लिखना है, द एनिमल्स थॉट दैट
The jackal was a king. Because answer किसमें आएगा? Because he was blue in color. क्योंकि वो blue color का था, इसीलिए सभी animals ने सोचा कि जैकल है वो king है. Become blue. जैकल है वो ब्लू कैसे बन गया, किस तरह से वो ब्लू कलर का हो गया? तो आंसर क्या आएगा? जैकल became blue by jumping into a big tub of blue dye. Okay? So the jackal became blue by jumping into a big tub of blue dye. कैसे blue हो गया? तो by jumping into a big tub of blue dye. Okay? Blue dye dye के बड़े से tub के अंदर jumping करने से वो blue हो गया. Okay? So, ये दो क्वेश्चन के आंसर पहले लिख लो. क्वेश्चन थ्री है, व्हाट डिड द एनिमल्स डू व्हेन दे शो द ब्लू जैकेट? ब्लू जैकेट को देखकर जब सभी एनिमल्स ने ब्लू जैकेट को देखा तो सभी एनिमल्स ने क्या किया? तो सभी एनिमल ने उसको बिलीव किया और उसके सामने क्या करने लगे? बोर्ड करने लगे, झुकने लगे सभी, है ना?
द एनिमल्स आंसर आएगा scared when they saw the jackal. Lesson 5 है कि how did the animals know that the king was just a jackal? सभी animals को कैसे पता चला कि जो king है वो एक jackal है, real में कोई king नहीं है? तो जब ये जो jackal है वो दूसरे jackals के साथ क्या करने लगा? Howling करने लगा, जोर जोर से चिल्ला कर howling करने लगा, इसकी वजह से सभी animals को पता चल गया कि ये तो किंग नहीं है, ये तो सिर्फ एक जैकल है। ओके, okay?
आंसर आएगा began to howl with other jackals. So all the animals ओके तो आंसर आपको इतना याद रखना है कि वंस द ब्लू जैकेट फॉरगॉट ही वाज अ किंग. एक बार ब्लू जैकेट है वो भूल गया कि वो एक किंग है एंड बिगन टू हाउल विद अदर जैकेट्स और दूसरे जैकेट्स के साथ में उसने भी हाउल करना बिगन कर दिया यानी स्टार्ट कर दिया. सो ऑल द एनिमल्स न्यू दैट. इसीलिए सभी एनिमल्स को पता चल गया कि द किंग वॉज जस्ट अ जैकल. किंग है वो एक सिर्फ और एक जैकल ही था. ओके तो यहाँ पे टोटल जो 5 क्वेश्चन थे उसके आंसर हमने लिखे. 5 नंबर का आंसर है वो भी आप अपनी बुक में लिख लो. और लास्ट पेज है उसमें से अलाउ तो वो हम वर्ड से वो बोलते हैं. तो पहला है LAUGH तो क्या बोलेंगे उसको लाउ. नीचे है CUGH कॉफ. RUGH रफ. ओके लाफ कॉफ रफ. फिर है FISH फिश. DISH डिश. WISH विश. तो ये जो है वो राइमिंग वर्ड्स भी हम कह सकते हैं. लाफ कॉफ रफ फिश डिस विस एफ एन फैन वी एन वैन आर एन रैन. ये भी क्या हुए राइमिंग वर्ड्स हुए ना फैन वैन रैन है ना. लास्ट में एफ ई डब्ल्यू फ्यू वी आई ई डब्ल्यू व्यू डी ई डब्ल्यू ड्यू फ्यू व्यू ड्यू. ओके तो आपको भी ये वर्ड से वो बोलने हैं. LAUGH लाफ. CUGH कॉफ. RUGH रफ. FISH फिस. DISH डिस. WISH विस. FAN फैन. VAN वैन. RAN रैन.
F-E-W, view, V-I-E-W, view, D-E-W, due, ओके। फिर है फन टाइम में पपेट आपको बनाना है तो आप अपने घर में ही जो थीम्स है वो उसको यूज करके ऐसा पपेट है वो आप घर पे बना सकते हो। यहाँ पे सब मेथड है वो दी गई है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो ब्राउन एनवेलोप चाहिए, न्यूज़पेपर, स्टिक, ग्लू, पेपर, कलर्स, स्केच पेन। मेथड में क्या करना है, मेक द फेस ऑफ अ मंकी ऑन व्हाइट पेपर एंड कलर इट। तो व्हाइट पेपर के ऊपर आपको मंकी का फेस बनाना है और उसको कलर करना है। यहाँ पे आप व्हाइट पेपर पे देख सकते हो, कोई भी फेस बना सकते हो, कोई भी एनिमल का आप कलर कर सकते हो। कट आउट द फेस एंड स्टिक ऑन द ब्राउन एनवेलोप। ये ब्राउन कलर का है वो एनवेलोप है, कवर है, ओके। उसके ऊपर आपने जो भी फेस बनाया है उसको कट करके, फेस के शेप जो है वही शेप में कट करके उसको एनवेलोप के ऊपर चिपका देना है। क्रश द न्यूज़पेपर एंड फिल इन द ब्राउन एनवेलोप। अब न्यूज़पेपर है उसको क्रॉस करके वो एनवेलोप के अंदर आपको फिल कर देना है, जिससे एनवेलोप है वो कैसा हो जाए, मोटा हो जाए। पुट द स्टिक इनसाइड द एनवेलोप, और इनसाइड एनवेलोप के अंदर एक आपको स्टिक है वो रख देनी है, अच्छे से चिपका देनी है ताकि वो निकल ना जाए। क्लोज द माउथ ऑफ द एनवेलोप, फिर नीचे एनवेलोप का माउथ है उसको बांध देना है, क्लोज कर देना है फॉर्मली विथ टेप और रिबन। रिबन से या फिर टेप से आपको नीचे जो स्टिक लगाई है वहां से माउथ को क्या कर देना है, बंद कर देना है, पैक कर देना है। योर पपेट इज रेडी। दूसरे डेकोरेशन भी आप इसमें बना सकते हो। यहाँ पे देखो ऊपर कैसे रिबन है वो लटका के चिपका दी है, तो आप भी ऐसे डेकोरेशन है बना सकते हो और आपका पपेट है वो रेडी है, ओके। तो यहाँ पे ये जो लेसन है वो पूरा होता है, कम्प्लीट होता है। और लास्ट में आप देख सकते हो अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ पपेट। पपेट है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो शैडो पपेट। आप भी शैडो पपेट बनाते ही होंगे, आपके घर में अपने हैंड से अलग अलग शेप से पपेट बनाते होंगे। फिर स्ट्रिंग पपेट आते हैं, स्ट्रिंग को पकड़ के पपेट को नचाया जाता है, एक्शन करवाए जाते हैं, ओके। तो ये है स्ट्रिंग। जो डोरी है वो इंसान है, कोई भी पर्सन के हाथ में होती है, वो पपेट को नचाते हैं, हाथ ऊपर नीचे करवाते हैं, चलवाते हैं, वो सब कुछ एक्शन है वो करवाते हैं। फिर ग्लो पपेट्स, ग्लो होते हैं ना ग्लोज, उसमें से पपेट हम बना सकते हैं। आपके पुराने कोई भी ग्लोज पड़े उसमें फिल करके आप पपेट है वो बना सकते हो। फिंगर पपेट, फिंगर में भी आप पपेट है वो ऐसे बना सकते हो। और लास्ट में है स्कल्पचर पपेट्स, तो पेंट करके भी आप पपेट है वो बना सकते हो। तो यहाँ पे जो ये लेसन है यूनिट नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से जो सभी लेसन हमने लर्न कर लिए हैं उसका रिवीजन हम देखेंगे, ओके। आप भी घर पे रिवाइज करते रहना। थैंक यू।